हेलो एवरीवन, जैसे कि मैंने गूगल के ऊपर एक ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि गूगल किसे कहते हैं और गूगल से कैसे बचा जा सकता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो कि मुझे कंटिन्यू रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैम एक वीडियो बनाइए जिसमें गूगल के बारे में आप और अच्छे से बताइए कि उसे कैसे पहचाने, खासकर तब जब कोई इंसान गूगल से ही रिलेशनशिप बनाने में इंटरेस्टेड हो कि वो उसे कैसे पहचाने। तो मेरा ये जो वीडियो है स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि गूगल को कैसे पहचाने और गूगल से ही रिलेशनशिप बनाने में जिनका इंटरेस्ट है। गूगल जो फीमेल होती है वो ज्यादातर 40 से ऊपर की जो एज की महिलाएं होती हैं उन कैटेगरीज में आती हैं। ये ना तो बहुत ज्यादा ओल्ड एज फीमेल होती है और ना ही बहुत ज्यादा कम सिम कली होती है कि भाई हाथ लगाओ तो चटक जाएगी, टूट जाएगी। इनका जो टारगेट होता है, जिनसे ये रिलेशनशिप बनाने में इंटरेस्ट रखती हैं, वो इनसे 10 या 15 साल छोटा लड़का होता है जिनकी इन्हें अक्सर तलाश रहती है। और ये डिपेंड करता है उस कूगर के ऊपर कि जो उसे सबसे ज्यादा इजी टारगेट लगता है ये उसको ही अप्रोच करती है, उसी के ऊपर ही अपना जाल फेंकती है। कूगर में देखो बहुत सारी कैटेगरी पाई जाती है जो अपने हाई क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास के सराउंडिंग के हिसाब से खुद को कैरी करके चलती है। कुछ तो कूगर वो होती हैं जो गली मोहल्ले की भाभियां आंटी टाइप होती हैं, जो छोटे लड़कों से 10 तरह के काम करवाती हैं और साथ ही साथ उनसे मजे भी लेती हैं। तो कुछ ऐसे भी लो कैटेगरी की कुछ कूगर होती हैं जो छिछोरे लड़कों की तलाश में रहती हैं। वही दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी कूगर फीमेल होती है जो हाई क्लास से बिलोंग करती हैं, जो कि स्टैब्लिश होती हैं, कॉन्फिडेंट होती हैं, फाइनेंशियली स्टेबल होती हैं, लेकिन अपने अनरोमांटिक हस्बैंड से नीरस हो चुकी होती हैं, थक चुकी होती हैं। तो उन्हें ऐसे लड़कों की तलाश होती है जो उनसे उम्र में छोटा हो लेकिन फुल ऑफ एनर्जी उसमें भरी हुई हो, अट्रैक्टिव दिखता हो। अब रह गई बात कि कूगर को पहचाने कैसे, तो देखिए एक आदमी की पहचान हमेशा उसके इंटेलिजेंस, उसकी इनकम, उसके ह्यूमर से की जाती है, लेकिन वहीं एक औरत को जज हमेशा उसके लुक से किया जाता है। फिर चाहे वो देखने वाला किसी भी एज का आदमी हो, चाहे वो यंग एज का लड़का हो या मिड एज मैन हो या फिर ओल्ड एज मैन हो, वो हमेशा उस औरत से अट्रैक्ट उसके लुक को लेकर ही होता है। उसका जो ध्यान जाता है उसके लुक के ऊपर ही जाता है। तो ये जो कूगर जो होती है ना, ये कूगर फीमेल, ये कभी भी अपने लुक के साथ तो कॉम्प्रोमाइज करती ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वो जो भी फीमेल जो 40 का आंकड़ा पार करती है उसके बालों की कंडीशन बढ़िया नहीं रहती, मतलब वो रूखे रूखे से होने लग जाते हैं, डेंसिटी खत्म हो जाती है, घने नहीं रहते, पतले हो जाते हैं, थिक हेयर्स हो जाते हैं, ग्रे शेड्स आने लग जाते हैं बालों में। तो इस तरह की जो फीमेल होती है वो अपने बालों को पूरा डाई शाई करके रखती है। अगर कोई भी बाल कहीं से व्हाइट नजर आने लग गया तो तभी अगले दिन ब्लैक दिखेंगे आपको बाल। लिप्स पे रिंकल पड़ने लग जाते हैं, पतले दिखने लग जाते हैं, तो लिप लाइनर से वो उसको पूरा फिल करके रखती है, ठक ठका के रखती है। वो कूगर फीमेल जो कि थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रांग होती है, इंडिपेंडेंट होती है, दो पैसे अपने ऊपर खर्च करते हुए उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, तो वो अपने आप को यंग और अट्रैक्टिव बनाए रखने के लिए फेस लिफ्ट सर्जरी तक कराती हैं। इनफैक्ट लिप अगर उनके ज्यादा पतले हो चुके हैं, थिन हो चुके हैं, तो वो लिप लाइनर से उनको फिल करने की बजाय लिप जॉब कराना पसंद करती हैं। ये वो फीमेल होती है जो कि आत्मविश्वास से भरी हुई होती है, एक गुड पॉस्चर मेंटेन करती है, बहुत ही रिलैक्स्ड पर्सन होती है, हमेशा आई टू आई कॉन्टेक्ट बनाकर बात करती है। उसके सामने बगले झांकने का जो काम होता है वो लड़कों का होता है, उस कूगर का नहीं। ऐसी कूगर फीमेल आपको जिम में या फिर क्लब में पार्टी करती हुई, नहीं तो ग्रोसरी शॉप में, इस जगह पे आपको देखने को मिल जाएंगी। अब रह गई बात कि कूगर से रिलेशनशिप बनाने की, तो देखो इसकी पॉजिटिव साइड और इसके नेगेटिव साइड दोनों की चर्चा मैं अपनी पुरानी वीडियो में कर चुकी हूँ, जो कूगर से रिलेटेड मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। लेकिन फिर भी अगर किसी के मन में चाह है कि भाई हमें तो कूगर ही चाहिए, सो ये आपकी चॉइस है। तो ऐसे में तो देखो आपको खुद से अट्रैक्ट करने की उसे जरूरत भी नहीं है। अगर वो रियल में कूगर है जिसे आप अप्रोच करना चाहते हो, तो उसे बस मौका मिलने दीजिए, खुद ब खुद वो आपको अप्रोच करेगी, वो खुद दाना डालेगी आपकी तरफ। लेकिन उसे रिलेशनशिप बनाते हुए अपनी तरफ से पूरी चीज बताकर चलिए, अपनी इंटेंशन क्लियर करके चलिए कि व्हाट डू यू वांट एक्चुअली, सीरियस रिलेशनशिप और जस्ट फॉर फन, ये चीजें पहले ही क्लियर करके चलिए तो आपके लिए सही रहेगा। आदमी वाली चीजें उसके साथ मत कीजिएगा, क्योंकि एक आदमी का तो वो अपने घर पे झेल ही रही है ना, दूसरे आदमी की चाहत थोड़ी ना उसे। शी इज ओनली विद यू फॉर फन एंड एंजॉयमेंट,
तो उसके साथ मस्तीबाजी कीजिए, उसे डेट पे लेके जाइए, एंजॉय कीजिए। अगर वो कूगर फाइनेंशियली स्टेबल है तो पैसे भी देखो वो ही खर्च करेगी, उसे बस आपकी जवानी और आपका टाइम चाहिए। लेकिन हाँ, एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि हर कूगर फीमेल होती है लेकिन हर फीमेल कूगर नहीं होती। तो कभी भी ये सोचकर कि यार बहुत फैशनेबल है, बहुत बोल्ड है और बहुत अट्रैक्टिव है तो वो कूगर है, ये गलती मत कीजिएगा। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जो कूगर होती है उसका काम ब्लैकमेलिंग का ही होता है। कितनी ऐसी कूगर होती है जो ब्लैकमेल नहीं करती, वो जस्ट अपनी लाइफ को एंजॉय करती है। और हाँ, कितनी ऐसी भी फीमेल होती हैं जो कि कूगर माइंडसेट की नहीं होती लेकिन वो लाइफ को एंजॉय करना चाहती है, हेल्दी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की चाहत उन्हें भी होती है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए रिस्पेक्ट तो हर फीमेल को दीजिएगा चाहे वो कूगर ही क्यों ना हो। देखिए, जिंदगी को एंजॉय करने का हक सबको है लेकिन उनके तरीके थोड़े अलग हो जाते हैं। कोई कूगर मेंटालिटी का होता है तो उसे हर दूसरे लड़के की तरफ मुंह मारने की आदत होती है कि यार मुझे ये भी पसंद है, इसको ट्राई करती हूँ, चल इससे बात नहीं बनी उससे ट्राई करती हूँ। तो कुछ ऐसी फीमेल होती है जो बहुत ही सेलेक्टिव होती है, चूजी होती है, वो एक हेल्दी और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में बिलीव करती है। तो सबका अपना अपना तरीका है। आई थिंक इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है और मुझे लगता नहीं कि अब आपको किसी कूगर को पहचानने में कोई खास दिक्कत आएगी। मेरी क्वेश्चन आंसर सीरीज वाली जो वीडियोस है, लोग उसे काफी पसंद कर रहे हैं और कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किया है कि मैम हमें जो हम क्वेश्चन पूछना भूल जाते हैं हमें उसके सवालों के जवाब भी इस क्वेश्चन आंसर सीरीज में मिल जाते हैं। अभी जो क्वेश्चन आंसर सीरीज का जो सिलसिला चला है, ये जो सवाल जवाब की वीडियोस बन रही है हर वीक, ये सब आपकी वजह से ही है, क्योंकि अगर आपके क्वेश्चन नहीं होंगे तो मेरे पास से जवाब कहाँ से मिलेंगे। लेकिन एक शिकायत है आप लोगों से कि जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपके क्वेश्चन कितने ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मुझे समझ ही नहीं आते कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं। मे भी हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक्स हो, उन चीजों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बहुत जरूरी है कि जब तक मुझे नहीं पता लगेगा कि आप एग्जैक्टली पूछना क्या चाह रहे हैं, मैं उस क्वेश्चन का जवाब कैसे दूंगी। कितने ऐसे क्वेश्चन है जिनका मैं जवाब देती नहीं हूँ वीडियो में, फिर लोग बोलते हैं कि मैम हमारे क्वेश्चन का जवाब, हमारे क्वेश्चन का तो जवाब आपने दिया ही नहीं। तो क्वेश्चन जो है ना, आप लिखने से पहले देखिए तो सही आप लिख क्या रहे हैं, क्या वो मुझे समझ भी आएगा क्या पूछना चाह रहे हैं, या कोई टाइपिंग मिस्टेक की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो इस चीज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सैटरडे को दोबारा एक वीडियो आपके लिए सवाल जवाब। थैंक यू सो मच। और हाँ, एक चीज और, लोग ये भी बोलते हैं कि मैम हम अपना क्वेश्चन कहाँ लिखें। तो जो सवाल जवाब वाली वीडियोस होती है ना, उसी के कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल छोड़ दीजिए। तो मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।